हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नोल पटेल, डर्मेटोलॉजी से हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ फंगल इन्फेक्शन। देखिए, बहुत सारे लोगों के चेहरे में खुजली होती रहती है और कई बार वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारे चेहरे में क्या हो गया है, फंगल इन्फेक्शन। आप मान के चलिए कि अगर आपको चेहरे में लंबे समय से खुजली हो रही है और वाइट पपड़ी जैसा कोई भी चीज़ें, अगर पपड़ी जैसे निकल रहा है, खुजली हो रहा है, और आप याद रखिए अपनी खुद की हिस्ट्री, आपने कभी भी अपनी स्किन में स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम, चाहे वो अच्छे कारण के लिए या गलती से या मेडिकल से लिया हुआ या खुद भी किसी चीज़ों के लिए लगाया होगा, तो आप मान के चले कि आपके चेहरे में फंगल इन्फेक्शन हो गया होगा, आपका चेहरा खराब लग रहा होगा, स्किन डैमेज हो गया होगा, तो एक उसमें फंगल इन्फेक्शन आपको हो गया होगा। व्हाइटिश पैचेस जैसा होगा, कहीं पर पपड़ी निकल रही होगी, कहीं पर छाला होगा, तो ये आपको फंगल इन्फेक्शन का निशानी है। बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, वो भी परेशान रहते हैं कि फंगल इन्फेक्शन को कैसे ठीक करें। फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने का मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताते रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और एक कंटेंट को लोगों तक शेयर करें, जिससे कि लोग जो परेशान हैं वो इस टॉपिक को सुन करके, देख करके अपनी समस्याओं से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको चेहरे में आपको लग रहा है कि फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको उसको कैसे ठीक करें। सबसे पहले तो आप अपनी जो नॉर्मली क्रीम, फेस वॉश, ट्यूब, टॉवल जैसा भी चीज़ लगाते हैं, उन सबको डिस्कार्ड करें, फेंक दें, बंद करें। नया फ्रेश 4-5 सेट टॉवल लाएं, उस टॉवल से रोज़ अपना चेहरा पोछें, धोएं और उस टॉवल को सुखाएं, अगले टॉवल से दूसरा दिन, अगले सेट 4-5 सेट बना के रखें। चेहरे में बिल्कुल भी दाढ़ी मूंछ बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि उन जगहों में फंसने के चांसेस ज़्यादा अच्छे रखते हैं। चेहरे को ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश से 5-6 बार रोज़ धोएं और चेहरे में अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर। बहुत लोग पूछे कि सर ये मॉइस्चर क्रीम है, मॉइस्चराइजर नहीं है, ये मॉइस्चराइजर क्रीम है, मतलब जो हमारे चेहरे को नमी देता है, जिसमें एलोवेरा होता है, सिया सॉफ्ट बटर होता है, या बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो हमारी स्किन को नमी देते हैं। बार बार आप चेहरा धोएं और मॉइस्चराइजर को अच्छे से चेहरे में लगा लें। मॉइस्चराइजर लगाने से दो फायदा होगा, आपकी स्किन डैमेज जो रहेगी वो कवर हो जाएगा, सूखापन नहीं रहेगा, ड्राइनेस नहीं रहेगा, और आपका जो पुराना फंगल हुआ है, जो ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अभी रिसेंटली में हमारे एक कलीग हैं जो MBBS की प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने हमारे पास एक स्किन का फोटो भेजा और वहाँ कि इन्होंने लुलिकोना, जोल, टर्बिना, फिन, इंट्राकोन सब मेडिसिन खा लिया, चेहरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, ठीक नहीं हो रहा है। तो देखिए, ये जो स्किन का ट्रीटमेंट आपको मैं जो केवल जानकारी ले रहा हूँ, मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आप केवल इसको सुन करके पूरी 100% ठीक। हाँ, ये है कि आपको जानकारी बहुत अच्छी मिल जाएगी, इसके इलाज के लिए आपको पर्सनली कंसल्ट करना ही चाहिए, क्योंकि आपके चेहरे का इशू है, आप उसको इग्नोर ना करें। अगर ऐसा ट्यूब कोई बना होता कि एक क्रीम मैंने बता दिया, उस क्रीम को लगाने से आपकी बीमारी ठीक हो जाती, तो मैं इतना सारा मेहनत आपके बीमारी को पकड़ने में, डायग्नोसिस करने में नहीं करता। मैं एक ट्यूब रहता उसी को आपको बता देता, क्लिनिक में चिपका देता। तो ऐसा कोई ट्यूब्स नहीं बना है जिससे कि आपकी एक ट्यूब को लगा लेंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक बीमारी है, बीमारी का कुछ प्रोटोकॉल हो सकता है, कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है। इसलिए कृपया कमेंट में केवल ये मत करें आप कि एक ट्यूब्स का नाम बता दो सर, कि एक क्रीम का नाम बता दो। आप अपनी बीमारी को खुद समझो, खुद उसको समझो और खुद ठीक करने की कोशिश करो। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे पास भी ना आए, घर बैठे आप उसको ठीक कर सकते हैं। कि दो जो खास चीज़ बताया, आप गलत क्रीम का इस्तेमाल ना करें, चेहरे में मॉइस्चराइजर लगाएं, और अगर आप एंटी फंगल क्रीम लगा रहे हैं लेकिन हो सकता है आपके स्किन में उसका रेजिस्टेंट, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो गई होगी, तो उस क्रीम को आप बंद कर दें। जैसे लोग लुलिकोनाजोल, सर्टाकोनाजोल, क्लोट्रिमेजोल चेहरे में लगा रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं देते कि उसमें कई बार स्टेरॉइड भी मिला हुआ होता है, तो आप उन चीज़ों को पहले बंद कर दें और केवल मॉइस्चराइजर लगाएं। अगर आपका चेहरा धूप में जाने से सांवला हो रहा है, काला हो रहा है फंगल होने के साथ साथ, तो आप सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल जरूर करें। साथ में खाने के लिए आप लिवोसिट्रिजिन, हाइड्रोक्सीजिन या जो खुजली की जो गोलियाँ होती हैं, एविल की जैसी गोली होते हैं, उनका इस्तेमाल बीच बीच में आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप अगर अपनी स्किन को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। इनके अलावा भी लगता है कि आप अपने चेहरे में जो भी समस्या हुई है, चाहे सफ़ेद हुआ है, काला पेचेस हुआ है, आप खुद नहीं समझ पा रहे कि उसको हुआ क्या है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। चैनल में भी आप अपने सिम्टम चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोशिश यही रहता है कि हर जो आप क्वेश्चन करते हैं उसका जवाब दिया जाए। कभी कभी वो छूट जाता है, तो आप दोबारा क्वेश्चन जरूर करें ताकि वो क्वेश्चन फिर से हम देखें और उसका जवाब दे सकें। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी चैनल जरूर करें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम पर जरूर मिले। धन्यवाद।